हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछली क्लास में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख चुके थे कैसे होता है करके। तो आज की क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, यानी लैंगिक प्रजनन देखें। तो सबसे पहले इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसके द्वारा होता है? प्लैनोगेमेट। प्लैनोगेमेट कॉपुलेशन के द्वारा होता है। तो इसको होता क्या है, ये इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू नेकेड गैमेट्स। मतलब इसमें दो नेकेड जो गैमेट्स हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे और दोनों क्या रहेंगे, मोटाइल रहेंगे, मतलब चल रहेंगे, यानी वो तैरने वाले रहेंगे। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका आइसोगेमस प्रकार का, दूसरा है इन आइसोगेमस प्रकार का, तीसरा है उगेमस प्रकार का। तो पहला है आपका आइसोगेमस प्रकार का, जो मेल और फीमेल गैमेट्स क्या रहेंगे, सिमिलर मॉर्फोलॉजी रहेगा। उसका आकार क्या रहेगा, आकार क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसे सिमिलर शेप एंड साइज रहेगा। देखो ये वाला है जो आइसोगेमस प्रकार का है, इसमें जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर टाइप के रहेंगे। इस टाइप के जो कॉपुलेशन होता है उसको आइसोगेमस कॉपुलेशन बोलते हैं। दूसरा होता है आपका एन आइसोगेमस कैसे होता है, तो मेल और फीमेल गैमेट्स हैव अ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। दोनों के मॉर्फोलॉजी यानी उसके आकार में परिवर्तन रहेंगे। तो मेल गैमेट जो रहेगा वो नॉन मोटाइल रहेगा, और सॉरी फीमेल गैमेट्स रहेगा वो नॉन मोटाइल रहेगा, और मेल गैमेट्स रहेगा वो मोटाइल रहेगा। मतलब मेल गैमेट्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन फीमेल गैमेट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तीसरा है उगेमस प्रकार का। उगेमस प्रकार का जो प्लैनोगेमस कॉपुलेशन है, इस जो है वो एन आइसोगेमस ही टाइप का है, सिमिलर है। इसमें भी जो मेल गैमेट्स हैं वो क्या रहेंगे, मोटाइल रहेंगे, और फीमेल गैमेट्स क्या रहेंगे, नॉन मोटाइल रहेंगे। अब आता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है कि इसमें जो ये गैमेट्स हैं, गैमेट्स आपस में क्या, डू नॉट फ्यूज द आइडेंटिटी। फ्यूज तो होगा लेकिन इसमें फ्यूज नहीं होगा, सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं होगा, और ये क्या करेंगे, आइडेंटिटी को लूज नहीं कर सकते। ये इस तरह का जो गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट होगा। तीसरा है आपका गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेटेंजिया कम टू क्लोज, मतलब मेल और फीमेल आपस में पास आएंगे और विद ईच अदर फ्यूज्ड हो जाएंगे, आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे। यहाँ की जो वॉल है, यहाँ का जो वॉल है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा, और आपस में जुड़कर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की क्रिया करेंगी। तीसरा है आपका स्पर्मेटाइजेशन। तो क्या होता है स्पर्मेटाइजेशन, हाँ स्पर्मेटाइजेशन में देखो ये मेल आपका स्पर्मेटिया है, तो यहाँ पर स्पोर लगे रहेंगे। स्पोर से क्या, ये स्पोर सीधा किसके पास जाएगा, रिसेप्टिव हाइफा, ये कौन रहेगा, फीमेल रहेगा। तो फीमेल में देखो ये स्पोर लगे हैं, दोनों आपस में जुड़कर फ्यूज होकर एक नया प्लांट का निर्माण करते हैं फंगस में, यानी नया हाइफी का निर्माण करेंगे स्पर्मेटाइजेशन की क्रिया के द्वारा। पांचवा है आपका सोमेटोगैमी। सोमेटोगैमी में क्या है, फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक हाइफा। दो सोमेटिक हाइफा जो आपस में जुड़कर एक नया प्लांट का या नया हाइफी का डेवलपमेंट करेंगे, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, सोमेटोगैमी बोलते हैं। अब आता है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में यानी वर्गीकरण आपका फंजाई। फंजाई में क्या वर्गीकरण होता है उसको देखते हैं। तो पहला है बेसी ने 1952 में फंजाई को डिस्क्राइब किया, क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहले फंजाई को तीन भागों में डिवाइड किया, साइजोमाइसिटीज, मैक्सोमाइसिटीज और यूमाइसिटीज। कितने भागों में, साइजोमाइसिटीज, मैक्सोमाइसिटीज और यूमाइसिटीज। फिर यूमाइसिटीज को लोअर फंजाई यानी लोअर क्लास में और हायर क्लास में डिवाइड किया। तो लोअर क्लास में जो देखा कि लोअर में जो फ्रूटिंग बॉडी यानी फ्रूट की बॉडी वो एब्सेंट है उसके आधार पर, और जो फ्रूट की बॉडी प्रेजेंट है उसके आधार पर। तो हायर प्लांट में क्लास दिया एस्कोमाइटिसिड, डेसिडोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। वैसे ही लोअर फंजाई में जो फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट है उसमें क्लास दिया फिलामेंटस के आधार पर, फिलामेंटस रहेंगे और नॉन फिलामेंटस यहाँ जिसमें फिलामेंट एब्सेंट होंगे। तो इसको डिवाइड किया, पहला है आपका फिलामेंटस के आधार पर, तो ऊमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस और प्लेडियोमाइसिटिस और है आपका क्राइडियोड्रियल्स इसके आधार पर।
अब देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में सी जी एसवर्थ ने 1973 में किंगडम दिया, तो इसको फंजाई और माइकोटा में डिवाइड, मतलब माइकोटा नाम दिया सी जी एसवर्थ ने 1973 में। तो इसको दो भागों में डिवाइड किया, पहला डिवीज़न मैक्सोमाइकोटाना और दूसरा है यूमाइकोटा। तो मैक्सोमाइकोटा में क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम जो प्रेजेंट है उसके आधार पर सिंगल क्लास दिया मैक्सोमाइसिटिस का, और डिवीज़न जो है यूमाइकोटा को कितने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्रेजेंट रहते हैं इसमें, तो ये परफेक्ट स्टेज अवस्था के आधार पर, और जो परफेक्ट स्टेज है एबसेंट के आधार पर इसको डिवाइड किया। तो सबसे पहले मैक्सोमाइकोटा देख लेते हैं, मैक्सोमाइकोटा को फिर सिंगल क्लास है मैक्सोमाइसिटिस फिर से डिवाइड किया, मोटाइल जू स्पोर के आधार पर इसको सब डिवीजन में डिवाइड किया, तो मैस्टिगो माइकोटीना हो गया। उसके बाद फिर ये फिर परफेक्ट स्टेज के आधार पर, फिर परफेक्ट स्टेज एब्सेंट के आधार पर, तो परफेक्ट स्टेज जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पर जू स्पोर प्रेजेंट रहेगा, एस्को स्पोर प्रेजेंट रहेगा और बेसिडो स्पोर, तो उसके आधार पर सब डिवीजन दिया, तो इसको बोला जाइगो माइकोटीना, दूसरे को बोला एस्को माइकोटीना, तीसरे को बोला बेसिडियो माइकोटीना, और परफेक्ट एब्सेंट के आधार पर डिट्यूरो माइकोटीना। उसके बाद आपका आता है मैस्टिगो माइकोटीना का क्लास आता है, तो क्लास में क्राइटोड्रियोमाइसिटिस, हाइपोक्राइटिड्रियोमाइसिटिस और ओमाइसिटिस में डिवाइड किया, मैक्सोमाइकोटीना का क्लास में तीन क्लास में डिवाइड किया। वैसे ही जाइगोमाइकोटीना को दो क्लास में डिवाइड किया, जाइगोमाइसिटिस और ट्राइकोमाइसिटिस। उसके बाद आता है आपका एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को फिर से कितने छः क्लास में डिवाइड किया, तो पहला है हेमी एस्कोमाइसिटीज, दूसरा है लीको एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है प्लेक्टोमाइसिटीज, चौथा है ल्यूबियो बेनियोमाइसिटीज, पांचवा है प्रिनियोमाइसिटीज और छठवा है डिस्कोमाइसिटीज। उसके बाद बेसिडियो माइकोटीना को फिर से क्लास में डिवाइड किया, उसको तीन क्लास में दिया, टीलियोमाइसिटीज, हेमिनोमाइसिटीज और गैस्ट्रोमाइसिटीज। फिर डिट्यूरोमाइसिटीज को फिर से तीन क्लास में डिवाइड किया, ब्लेस्टोमाइसिटीज, हाइपोमाइसिटीज और सिलियोमाइसिटीज। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम पैरासेक्सुअलिटी देखेंगे। थैंक यू।